रेडियो अम्बेडकर नगर 90.4 एफएम से मैं हूं आलोक, और आज हम हैं एआरटीओ ऑफिस अम्बेडकर नगर में। जैसा कि सड़क पर अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं, इसमें सरकार द्वारा बहुत सारे कदम उठाए जाते हैं कि 18 साल के बच्चे कम के बच्चे जो हैं वो गाड़ी ना चलाएं और सभी लोग हेलमेट पहने। तो इसके लिए एक और नया कानून आया है, और थोड़ा उसमें अगर देखा जाए तो उसमें फाइन और FIR करने का शायद प्रावधान किया गया है। तो उसमें हम पूरी जानकारी RTO साहब से लेंगे। तो सर, इसके बारे में हमें बताइए, जो ये जैसे 18 साल से जो कम के बच्चे हैं अगर गाड़ी चलाते हैं तो क्या इसमें FIR की जो सिस्टम में FIR होगा, तो कैसे, क्या, थोड़ा डिटेल में बताइए। उसमें ऐसा है, नया प्रावधान नहीं है, पहले से है, अब वो कड़ाई उसमें की जा रही है। 18 साल से कम के बच्चे यदि गाड़ी चलाते हैं तो वो बिना लाइसेंस के होते हैं, क्योंकि 16 से 18 के बीच में 25 CC की गाड़ी चलाने की उन्हें अनुमति है, मगर 25 CC की गाड़ी वो ना चला के बड़ी मोटरसाइकिल या एक्टिवा वगैरह जो 100 CC की हैं वो भी चलाते हैं, उनसे दुर्घटना की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। तो अब वो प्रावधान किया गया है कि यदि ऐसे बच्चे पाए जाते हैं तो चालान के साथ साथ उनके जो भी गार्जियंस हैं उनसे 25,000 रुपये और 3 साल की सज़ा का प्रावधान किया गया है, वो कड़ाई से अब लागू करने की बारी है। क्या ये पहले भी था कि FIR होगा इसमें अगर कम 18 साल से कम के बच्चे हैं और गाड़ी चला रहे हैं तो? पहले भी था, मगर ये अभी तक वो उनको समझाया जा रहा था कि पहले समझा लिया जाए, यदि वो मान जाते हैं तो ठीक है। अब ये है कि सबको ये मैसेज पहुंच गया है ये मानते हुए, अब कार्रवाई की बारी है। अब उनको समझाया भी गया, यदि वो स्कूल भी गाड़ी लेके आते हैं तो स्कूल में भी उनको चालान दिया जाएगा। हम लोगों की सभी की लगभग ड्यूटी लगी है कि स्कूल जा के चेक करें कि ऐसे कोई बच्चे बिना लाइसेंस चला तो नहीं रहे हैं, या 18 साल से कम के हैं और 100 CC की गाड़ी या कोई और चला रहे हैं, उनके गार्जियन को 25,000 का जुर्माना और 3 साल की कैद की सजा, सश्रम कारावास का भी प्रावधान है। इसको कड़ाई से पालन कराने के लिए आपकी क्या मतलब व्यवस्था है, या फिर आप किस तरीके से इसको देखेंगे? हम स्कूलों में जाके स्कूल के टाइम पे, छुट्टी के टाइम पे वहाँ चेक करेंगे, यदि कोई ऐसा मिलता है तो वहीं चालान करेंगे, उनके गार्जियंस को बुला के तब उनको गाड़ी हैंडओवर करेंगे और उन्हें भी सजा के बारे में बताएंगे। अच्छा, अभी भी हमने देखा कि सड़क पे तमाम ऐसे ट्रैक्टर ट्रॉली में यात्राएं हो रही हैं, लोग बैठ करके जाते हैं, तो इस पर आप क्या कड़ाई कर रहे हैं? उस पर भी चालान हो रहा है, 1,000 रुपये प्रति यात्री उनका चालान होता है, और अभी तो गन्ना भी चल रहा है, गन्ने में भी उनको रेडियम वगैरह लगाने के लिए निर्देश दिया गया है, लगाया भी जा रहा है, हम लोग रोक के भी लगाते हैं, चालान भी कर रहे हैं, जिससे कि टोहरे में कोई दुर्घटना ना हो। ओवरलोड, जो गन्ने का जो ट्रक या फिर ट्रैक्टर है, ओवरलोड तो हमेशा अभी भी दिखाई दे रहा है, तो ये आप अगर जाएं किसी भी ऐसे चीनी मिल के रोड पे तो आपको मिल जाएगा, या आप जाते नहीं है या फिर देखते नहीं है, दो में से? नहीं, जाते हैं। अब ये है, वो चीनी मिल के अंदर तो हम नहीं चेक करते, नहीं, बाहर की बात कर रहा हूं। बाहर मिलने पे करते हैं, वो मोस्टली रात में चल रहे हैं तो दिन में वो हमें मिलते नहीं है। और सड़क की जैसे जो भी और व्यवस्थाएं हैं या फिर दुर्घटना कम हो, इसके लिए आपका जैसे क्या प्रयास हो रहा है? हमारा संयुक्त प्रयास है PWD का, हमारा जहां भी सड़क खराब है या जहां दुर्घटनाएं ज़्यादा हुई हैं, ब्लैक स्पॉट चिन्हित हैं, वहां पे कहीं ब्रेकर बनना है, कहीं कुछ साइनेज लगना है, वो सब किया जा रहा है, ज्वाइंट इफेक्ट से हो रहा है। PWD की अगर बात आई तो बहुत सारे सड़क में ऐसे गड्ढे हैं जिससे दुर्घटनाएं हो सकती हैं, तो PWD दूसरा विभाग है, तो क्या आप भी आप तो रोड पर चलते हैं और बहुत सारी देखते हैं हम अक्सर, आप हाईवे पे मिलते हैं, तो इसमें आप भी देखते हैं उस हाईवे पे बहुत सारे बड़े बड़े गड्ढे हैं, तो आपने कभी PWD विभाग को बोला कि इसको अगर ठीक कराया जाए तो और बेहतर हो? नहीं, बोला है। हर महीने हमारी सड़क सुरक्षा समिति की बैठक होती है जिसके अध्यक्ष DM साहब हैं, तो उनके माध्यम से PWD, NH, NHI सभी को निर्देशित किया गया है। बीच में कुछ गड्ढे भरे भी गए थे, पुनः गड्ढे हो गए हैं, फिर उनको निर्देशित किया गया है कि आके उन गड्ढों को भरें, तो वो
क्योंकि गड्ढे भी ज़्यादा हैं तो टाइम लग रहा है, धीरे धीरे सही होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद, और सर का प्रयास काफ़ी सराहनीय है और आगे भी हमें उम्मीद है कि अभी इससे ज़्यादा व्यवस्था जो है चुस्त दुरुस्त होगी। और मैं 18 से कम है जो भी बच्चे, मैं उनको वार्न करना चाहूँगा, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, वो भी हैवी वाहन चला रहे हैं या फिर जो भी मोटरसाइकिल चला रहे हैं, तो उसको आप जब तक आपका लाइसेंस ना बन जाए तब तक आप ना चलाएं, दुर्घटना इससे ज़्यादा बढ़ती है। धन्यवाद।